नमस्ते, टेरेस किचन में आपका स्वागत है। आज हम लहसुन की सूखी चटनी बनाएंगे। इस चटनी को आप चावल, रोटी, डोसा, इडली, उत्पम सभी के साथ खा सकते हैं, क्योंकि यह चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और यह बहुत ही आसानी से बन भी जाती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ लहसुन लिया है जिसे मैंने छील लिया है, मूंगफली, नारियल का बुरादा, तिल, अमचूर का पाउडर, हींग, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक लिया है। पैन में एक चम्मच तेल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें लहसुन डालेंगे और लहसुन को 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए लहसुन का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसमें मूंगफली डालेंगे और इसे भी 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। मूंगफली भी भुन गया है, इसमें तिल, जीरा, धनिया और मेथी डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे और इसे 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे और इसे 1 मिनट मीडियम फ्लेम पर और भूनेंगे। नारियल के बुरादा को ज्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो वो जल जाएगा। यह भुन गया है, अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। यह ठंडा हो गया है, इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे। इसमें अमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और 1 पिंच हींग डालेंगे और इसे पीस लेंगे। इसे कटोरे में निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ लहसुन को भून के डाला है, इसलिए यह चटनी जल्दी खराब नहीं होगी और इसे आप बहुत दिन तक रखकर खा सकते हैं। तो लीजिए, टेस्टी लहसुन की सूखी चटनी तैयार है। धन्यवाद।